क्या आपका भी लैब्राडोर बिल्कुल भी नहीं भौंकता है, मतलब अजनबी लोगों को देखा नहीं कि उसे पूंछ हिलाने लगता है, जैसे आपसे बिहेव करता है वैसे ही उनसे बिहेव करता है, सच में बहुत बुरा लगता है, उसको बार करना चाहिए। एक डॉग की मेंटालिटी होती है कि उसे बार करना चाहिए, मतलब अजनबी लोगों को देखे अटैक कर दे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आपका जो डॉग है वो अपोजिट काम कर रहा है, मतलब वो बार करने को दूर की बात है, उनसे ऐसा प्यार कर रहा है कि कभी उनसे जैसे मिला नहीं, मतलब जान निछावर कर रहा है। ये प्रॉब्लम अगर आपके साथ है तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और यकीन करिए आपका डॉग लैब्राडोर एक हफ्ते के अंदर, जी हाँ वन वीक के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बन जाएगा, मतलब अजनबी लोगों से पूंछ हिलाने को तो छोड़े हो, उसको देखते ही बार करने लगेगा। और गलती से अजनबी आदमी ने उसका नाम बोल दिया तो जनरली क्या होता है, डॉग्स पूछ हिलाने लगते हैं, लेकिन वो और ज़्यादा बार करेगा, मतलब उसे ज़रा सा भी कोई प्यार से बोलेगा तुरंत बार करेगा। अगर ऐसा डॉग आपको बनाना है अपने लैब्राडोर को तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और उसे मैंने यूज़ किए हैं, एक से एक लैब्राडोर को अग्रेसिव बनाते हुए मैंने देखा है, वही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप पूछिएगा और आप खुद आके, जी हाँ आप खुद आके वन वीक के बाद आप मेरे को कमेंट करेंगे कि जी हाँ आपने जो बोला एकदम सही बोला, मेरा डॉग भी एकदम से चेंज हो गया। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अब ये वीडियो दो तरह के लोग देख रहे होंगे, एक जिनके पास लैब्राडोर एडल्ट है, मतलब उनका हो सकता है एक साल का हो या फिर दो या तीन साल का हो, और दूसरे लोग जो होंगे वो पपी एज का है, मतलब हो सकता है चार से पाँच मंथ का हो सकता है छः मंथ का हो। अब ये वीडियो में जो पॉइंट्स बताऊंगा वो दोनों के लिए है, बस एडल्ट डॉग के लिए। आप भी जानते वो अभी तक क्या होगा कि बहुत लोगों से घुल मिल गया होगा, अभी क्या सबसे पूछ हिलाता होगा, तो उसको आदत चेंज करने में, मतलब उसको एक तरह से अग्रेसिव डॉग बनने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर पपी एज एक हफ्ते के अंदर सही होगा, एक हफ्ते के अंदर अग्रेसिव बनेगा, तो आपका जो एडल्ट डॉग है वो दो या तीन हफ्ते लेगा, तीन हफ्ते मैक्सिमम बता रहा हूँ। तीन हफ्ते के अंदर आप खुद देखेंगे आपका डॉग इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है, आप खुद आके कहेंगे अब इसको कंट्रोल कैसे करें। जी हाँ, अब मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा उसको ध्यान से देखना, मैं दोनों के अकॉर्डिंग बताऊंगा। अगर आपके पास पपी एज वाला है उसके लिए भी ये पॉइंट्स बेस्ट हैं, और जो आपके पास एडल्ट डॉग है उसके लिए भी ये पॉइंट्स बेस्ट हैं। अब देखिए, जो लैब्राडोर होता है ये एक तरह का बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग है। एक्टिव डॉग मतलब यह है बॉडी से एक्टिव नहीं, मतलब ब्रेन से एक्टिव हो, तो मोटा ताज़ा एकदम चुस्त दुरुस्त होता है, वो आप खा पिला के डाइट से कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मेंटालिटी होती है वो बहुत जल्दी सीखते हैं, बस आपको एक सही रास्ता दिखाने की देर है। पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होता है कि अब अभी तक आप जो भी काम कर रहे थे अभी से, अब ये सोच लीजिए आपको अपने डॉग को मिलवाना नहीं है किसी से। अगर आपके पास एडल्ट डॉग है तो अभी तक आप मिला रहे थे, कस के मिला रहे थे, लेकिन अब से अगर आप ये चीज़ शुरू करना चाहते, अगर आप अपने डॉग को अग्रेसिव बनाना चाहते तो अभी से गांठ बांध लीजिए, अपने अलावा मतलब अपने परिवार के अलावा किसी और से मिलवाना नहीं है। अगर पपी एज की बात की जाए तो अभी वो पपी एज में, तो क्या होता जनरली, जैसे मोहल्ले में आया तो आ गए मोहल्ले वाले, आपके यहाँ पपी आया है छोटा सा, देखते क्यूट सा है, अब वो आपको देखा, अभी तो वो दूसरी दुनिया से आया, तो वो उनसे भी उसी तरह बिहेव करेगा जैसे आपसे कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डिफरेंस नहीं पता कि आप कौन हैं और आपके मोहल्ले वाले कौन हैं, वो जैसे आपको देखे। और यही आप लगातार करते रहेंगे तो आपका भी एडल्ट होते बिल्कुल भी नहीं भौंकेगा, बार्क भी नहीं करेगा, ऐसे मिलेगा जैसे वही प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपको सही करना है तो अभी से, अगर एडल्ट वाले हैं या फिर पपी एज वाले हैं, अभी से गांठ बांध लीजिए, किसी से मिलवाना नहीं है आपको। फर्स्ट कंडीशन इज किसी से भी नहीं मिलवाना। अब सेकंड चीज, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। अब आपको जब टहलाने जा रहे हैं, अभी तक क्या था कि जैसे कोई टहलाने गए, आपका दोस्त मिला, हाथ हाथ मिला, तो वो जो डॉग है आपका वो उनसे भी पूंछ हिलाने लगता, मिलने लगता है। लेकिन अभी आपको क्या सतर्कता करनी है, अब आपको पहली बात उन लोगों से मिलवाना नहीं है, ठीक। अब बाय द वे आ जाते सामने तो अब भाग तो जाएंगे नहीं, तो उससे ये कहिएगा, वो आपका डॉग प्यार के लिए उनके ऊपर चढ़ेगा, लेकिन आपको कहना दूर रहिए,
दूर है। अभी ये कल काटा है, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है, इसी तरह चढ़ के काट लेता है। तो सामने वाला इंसान है, इंसान डॉग से डरते हैं, अब वो प्यार से हफेगा, मतलब प्यार से उनके ऊपर चढ़ेगा, लेकिन आपको मुंह से बोलना है कि ये अभी अभी काटा है, अभी ये काटा है, ये अभी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह करेगा, तो उस इंसान के आँखों में डर दिखेगा आपके डॉग को, और तुरंत वो कैच करेगा। ये जो कैचिंग पावर है इसी से वो समझेगा, मतलब आगे के जो पॉइंट्स बताऊंगा वो इसी से रिलेटेड है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट था किसी से नहीं मिलवाना है, अब सेकंड पॉइंट जो है वो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बांध के रखना है। जी हाँ, घर पे ऐसी जगह बांधिए जहाँ पे कोई भी बाहर पर्सन दिखाई ना देता हो, मतलब बांधने को बोला ये नहीं कि आप गेट में बांध दें, गेट में सभी को देखेगा तो आपका डॉग अग्रेसिव नहीं बनेगा। अगर आपको लैब्राडोर को अग्रेसिव बनाना है तो आपको उसे कमरे में बांधना होगा, या फिर आप ऐसी जगह बांधिए जहाँ पे और कोई ना हो, और कोई मतलब आपके फैमिली मेम्बर हो, आप हो बस, इसके अलावा और किसी को भी ना देखे, किसी की भी इनफैक्ट एक तरह से आवाज़ भी ना सुने, मतलब टोटली आपको ये करना कि उन्हें एक हफ्ते तक किसी से भी मिलवाना नहीं, मिलवाने का मतलब वो देखे भी ना, उनकी परछाई भी ना पड़े। अब ये चीज़ फॉलो करिए। अब थर्ड चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान में दीजिएगा, वो क्या है कि अगर आपको अपने डॉग को खाना खिलाना है तो जैसे खाना रख रहे, पहले तो वो टाइम टू टाइम होना चाहिए, जैसे सुबह दोपहर शाम, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, और एक पर्सन दे, एक पर्सन आप ही दीजिए, या फिर मदर दे रही तो मदर दे, फादर दे रहे फादर दे, बस एक पर्सन दे खाना, और उसको जब खेलना हो, जब खिलाना हो तब उसे खोलिए, और खोलने में खिलाने में ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रैक्टिस कराना है, बॉल और से कर रहा है बार्क, अगर थोड़ा सा भी किसी चीज़ की वजह से बार्क किया है आपका डॉग तो तुरंत उसे वो चीज़ रिपीट करते रहना, और तुरंत आपको बार्क बार्क और प्यार करना कस के। थर्ड हो गई, फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है, अब आप खिला रहे तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया, एक्टिव होने की वजह से अब आपको क्या करना है, एक कपड़ा ले लेना और कपड़ा उसके एक तरह से कह सकते हैं उसके फेस में सामने रखना है। अब जब कपड़ा रखेंगे तो वो खींचेगा अपनी तरफ, जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो आपको भी खींचना है, जब इधर से खींचेंगे उधर से तो उसकी जो ये मसल्स है वो होगी स्क्वीज़ होगी, स्क्वीज़ होने का मतलब है, और तुरंत आपके मुँह से कमांड आनी चाहिए अटैक अटैक। अगर आप ये कमांड देते हैं इस तरह करते तो उसके मन में आएगा कि इस तरह खींच रहे हैं हम, मतलब अटैक कमांड देना, अटैक कमांड बोला तभी मैं खींच रहा हूँ, ऐसा करना है। अभी वो फर्स्ट टाइम होगा तो नहीं समझ पाएगा, ये कब काम आएगी, जब आप उसे टहला रहे होंगे तब काम आएगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। अब इसके साथ नेक्स्ट टिप की जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, जब भी आप उसे टहलाने जाएँ तो 10 बजे के बाद रात में और सुबह 5 बजे के पहले टहलाइए। ये टाइम में मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, मतलब लोग बहुत कम होते हैं। अगर इसके बीच में आप आते, मतलब आप 6-7 इस तरह बजे टहलाते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आने जाने में हो जाए, तो वो उनको देखेगा और आपका जो सोचा है कि लोगों से नहीं मिलाना है वो टूट जाएगा, मतलब लोगों की परछाई कम से कम पड़े। आप ऐसा तो नहीं रोड तो जाम करा नहीं सकते, लेकिन ये तो कोशिश कर सकते हैं ऐसे टाइम में उसे ले जाइए बाहर जब वो कोई भी लोग ना देखे, मतलब कम लोग आए, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। इसके साथ अगर हम एक और टिप की बात करें, ये चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको उसका फेवरेट खाना तब दीजिए, जैसे सामने रख दिया तुरंत ना दीजिए, तुरंत ना दीजिए, सामने रखा पीछे कर लीजिए, पीछे करने का मतलब है पीछे करिए तब वो बार करेगा, जैसे बार करे 2-3 बार बार करे तब किटकिटा जाएगा, बार करेगा तो तुरंत वो खाना उसको दे देना है। ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 1 वीक के अंदर आपका लैब्राडोर अग्रेसिव डॉग बन जाएगा। अब आती है रिजल्ट की बात, रिजल्ट की चांस आती तो रिजल्ट में भी आपको ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, अगर आपका पपी एज है तो पंजू का होगा, अगर आपका एडल्ट डॉग है तब भी एक बार ट्राई करते हैं। 1 वीक तक ऐसे किया, अब आपको अपने दोस्त को बुलाना है और इस तरह से बुलाना है कि उसे पहले से प्लान पूरा समझा देना है, आपको उसे फ़ोन करके कह देना है कि आप, मतलब अपने डॉग को कहना है, सॉरी अपने दोस्त को कहना है कि वो आए गेट खटखटाए, गेट खटखटाने के बाद जैसे उसका डॉग बार करे, मतलब आपका डॉग बार करेगा तो वो
भागे, मतलब डर डर के भागे। अगर उसको डर नहीं लग रहा तो उससे कहना डर के वो भागे। तो आपका फर्स्ट टाइम जो डॉग होगा बार करेगा, और अब उसके बार करने से जब आपका डॉग भागेगा, वो आपका दोस्त भागेगा ना, और आपका डॉग उसके पीछे भागेगा, तो आपके डॉग को उसका वो जो डर वाली फीलिंग थी मैंने पहले बताया था, वो आँख में दिखेगा, तुरंत वो कैच करेगा। लैब्राडोर बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, वो कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा उनकी होती, तो वो कैच करेगा, और तो वो उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम बार कर रहे हैं तो ये भाग रहे हैं। तो इसी तरह आपको 2 से 3 बार कराना। सपोज़ करिए आपका एडल्ट डॉग है और वो बार कर रहा है लेकिन वो उनके पीछे नहीं भाग रहा, तो ये चीज़ 1 हफ्ते और आप ट्राई करिएगा, और आई एम श्योर मैं बता रहा हूँ 2 वीक के अंदर आपका डॉग, एडल्ट डॉग भी लैब्राडोर जो है वो अग्रेसिव बन जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिए, विद इन 1 आवर मैं रिप्लाई दूंगा, और कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड एक सोल्यूशन के साथ वीडियो बनाने की।